क्या हुआ? हाथ जल गया। अरे क्या हुआ मालकिन? गर्म पानी से हाथ जल गया। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ, डॉक्टर की कहाँ जरूरत है, मुझे मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अरे मालकिन, क्या कैसी बात कर रही है? और ये पैसे क्यों रखे यहाँ पे? तुम्हें चाहिए ये? नहीं, तुम्हारे लिए रखे थे, ये लो। पर मालकिन, मैंने तो पैसे मांगे भी नहीं है। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है ना, इसलिए। अरे मालकिन, ये सब गलत है, मालिक देख लेंगे। मालिक कहाँ है यहाँ? कुछ भी गलत नहीं है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करता जा। ये पैसे भी तेरे हुए, और भी पैसे दूंगी, बस एक बार तू मन चाहे मुझे खुश कर दे, क्योंकि तेरे मालिक से मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती। देखो मालकिन, ऐसा मत करो, अभी तो हमारी नई नई नौकरी लगी है, अगर मालिक को पता चला ना तो वो हमें धक्के धक्के बाहर निकाल देंगे, जान से मार देंगे मुझे वो। प्लीज, ये अपने पैसे लो, मैं नहीं कर सकता ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? देखो तुम मालकिन हो, हम नौकर हैं, ये क्यों भूल रही हो तुम? मैं फोन करके बता दूंगा मालिक को। क्या बताओगे? बोल दूंगा मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है, मेरे साथ सोने की बात कर रही है। तू क्या बताएगा उन्हें? उन्होंने ही मुझसे बोला था कि तू मेरे साथ कुछ कर और मुझे माँ बना। चल जल्दी से फटाफट मुझे प्रेग्नेंट कर। पागल हो गई हो तुम? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तू मर्द नहीं है क्या? अरे मालकिन, वो बात नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। तेरा और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को कोई नहीं देखेगा। आओ चलो। यार देखो मालकिन, समझा करो, दीवारों को भी कान होते हैं। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अरे भाड़ में जाए ऐसी नौकरी? मालकिन, मेरे जो पैसे ना मेरे घर भिजवा देना, जाता हूँ मैं। और सुन मेरी बात, अगर तेरे मालिक इस बात के लिए बोले तो तू कर लेगा? मालिक बोले? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सच में पागल हो गई हो क्या? ठीक है, तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं फोन लगा कर बताती हूँ। हेलो, हाँ, जो आपने करने को बोला था रामू के साथ, वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। लो तुम रामू से बात कर लो। हेलो मालिक साहब। हेलो, हाँ रामू बताओ। अरे मैं कह रहा था, ये मालकिन ना मुझसे उल्टा सीधा कराने के लिए बोल रही है। उल्टा सीधा मतलब? अरे मालिक साहब, वो जो होता है। अरे जो बोलना है तो ये खुलकर बताओ। अरे मालिक साहब, गलत काम, गलत काम। अरे ये घुमा फिरा कर बात मत करे, बता। मैं कैसे बता? मालकिन को फोन दे। लो, हो गया तुझे विश्वास? और हाँ सुनो। हाँ बोलो। हमारे लिए गुड न्यूज है, हमने जो रामू का टेस्ट लिया था वो उसमें पास हो गया है। टेस्ट लिया था? मालकिन ये सब क्या है? हाँ ये सच है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मतलब ये सब जो चल रहा था ये सब झूठ था? हाँ, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। वो क्या है ना, एक्चुअली हम आउट ऑफ इंडिया मीटिंग के लिए चले जाते हैं, तो आए दिन यहाँ नौकरों की शिकायतें आती रहती थी, कोई दारू पी के आता है, कोई लड़की लेके आता है, या फिर कोई चोरी करके चला जाता है, इसलिए हम परेशान हो गए थे और तुम्हारा टेस्ट लिया था और उसमें तुम पास हो गए। मालकिन, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं क्या होगा, मगर आइंदा ऐसा मत करना। और हमने काफ़ी जगह नौकरी की है, हम कभी गलत नहीं करते, मगर हमारे पैसे हर जगह मांग लेते हैं लोग, बस हमारी तनख्वाह टाइम पे देना, हम तुम्हारा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको शिकायत मिलेगी। डोंट वरी, ये ले पैसे, पैसों की तो तू चिंता ही मत कर। और हाँ, तेरे लिए तिजोरी खुली है, पैसे लेने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। मालकिन, हम तुम्हारा एहसान कैसे भूलेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, आप जहाँ मन चाहे वहाँ जाइए, बस हमें अपनी तनख्वाह से मतलब है। ठीक है मालकिन, चलते हैं।